और भविष्य की चुनौती हमारे लिए पानी है और जल ही जीवन है। 98-99 जब अकाल पड़ा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उसको चुनौती के रूप में लिया। राजस्थान को जो अकाल का सामना करना पड़ रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा भूमि का जल स्तर खत्म होता जा रहा है। तो उस वक्त जो एनीकट बने, सीरीज ऑफ एनीकट, वो अपने आप में एक उदाहरण है और ये उन्होंने उस वक्त चुनौती को समझ लिया था। आज पेयजल के लिए हमको चंबल से पानी के लिए 50 साल की योजना आगे ध्यान में रखते हुए बनाई है। तब जो पेयजल की स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलेगा। अभी भी सिंचाई के अंदर बहुत पैसा दिया था कि एक एक बूंद का जो है उस सदुपयोग हो सके। बड़े बड़े बांध उस वक्त बनाए इसीलिए था कि पानी जो व्यर्थ बह कर के जा रहा है उसका पानी का हम लोग कर सकें और जो जंगल कट रहे हैं उन जंगलों को हमको बचाना है। इसमें सभी लोग, चाहे वो NGO है, चाहे राजीविका है, चाहे वाटरशेड के अधिकारी हैं, चाहे वन विभाग है, हम लोग सभी मिल करके वनों की जो कटने की गाँव के अंदर जो प्रवृत्ति है उसको हमको बचाना होगा और पानी का हमको संरक्षण करना पड़ेगा। पानी का जो दोहन हो रहा है वो बहुत जिसे है दुखदायी है और ये चुनौती है रहेगा हमारे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनता में अवेयरनेस लाना है। जो वर्षा जल बह के निकल जाता है, 75% के आसपास वर्षा जल बह के समुद्र में चला जाता है, भूजल का स्तर नीचे दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है, तो जलग्रहण विकास विभाग अन्य विभागों के साथ NGOs के साथ मिलकर ये प्रयास कर रहा है निश्चित तौर पर वर्षा जल के एक एक बूंद को रोका जाए और उससे भूजल का स्तर बढ़ाया जाए। इस विश्व जल दिवस के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित करना और उसको संग्रहित करने के अलावा जो उपयोग में वेस्टेज में पानी जा रहा है उसको कैसे बचत करने के लिए जनमानस तक ये भावना पहुँचाई जाए, इसके लिए न केवल जिला स्तर पर बल्कि आगे प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम हुए और प्रत्येक पंचायतों में सब परिवारों को आकर्षित करने के लिए बच्चों को लेख प्रतियोगिता और उनको चित्रकला प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके मानस पटल पर इस बात को जोर दिलाया जा रहा है कि वो वर्षा जल को संग्रहण करना और जल के जो व्यर्थ में बह के नुकसान होता है उसको बचत करने के वाले में प्रेरणा लें। जैसे अभी अटल जल योजना में मैं आप सबसे संक्षिप्त में अंतिम जितने शिद्दत से पार्टिसिपेट होना चाहिए अपनी एक बार की बात है सर, साबरमती एक व्यक्ति के द्वारा आधी बाल्टी से ऊपर पानी को स्नान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शायद संसाधनों के उपयोग की जो शिक्षा मुझे अपने फोन क्षेत्रीय वन अधिकारी चौधरी जी, सरपंच, ग्राम पंचायत उमर पंचायत समिति अनार का पौधा से आप लो उपयोग की शपथ देता हूँ, उपयोग की शपथ देता हूँ, मैं ये भी शपथ देता हूँ उपयोग करूंगा उपयोग करूंगा तथा पानी तथा पानी